हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन, वो भी सिंगल डिजिट नंबर से। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा ट्रायंगल, जिसे हिंदी में त्रिभुज भी कहते हैं। तो ये रहा ट्रायंगल, वन ट्रायंगल हो गया। ओके, और एंड वन ट्रायंगल एंड ये दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया, तो कितने ट्रायंगल हो गए? चलिए, इज इक्वल टू का पहले साइन देते हैं। ये इज इक्वल टू का साइन हो गया। ठीक है, तो वन ट्रायंगल एंड टू ट्रायंगल, तो वन एंड वन ट्रायंगल यानी टू ट्रायंगल है, है ना? टू ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गए टू ट्रायंगल। तो हम इसे नंबर्स में लिखते हैं। तो ये हो गए वन ट्रायंगल, तो वन नंबर लिख दिया। एंड की जगह लिखेंगे हम प्लस। ओके, एंड की जगह प्लस। और ये फिर वन ट्रायंगल है, तो ये वन हो गया। देखिए, एंड के बाद हमें वन से ही काउंट करना है, फिर जितने भी रहे हैं। तो वन प्लस वन इज इक्वल टू कितने ट्रायंगल हो गए थे? तो वन और ये वन, तो कितने ट्रायंगल हो गए थे? वन टू। ठीक है, वन टू यानी कि टू ट्रायंगल्स। तो टू नंबर हम इस तरह लिख लेंगे। अब चलिए रेक्टेंगल लेते हैं। तो ये है रेक्टेंगल। ओके, वन रेक्टेंगल, ये टू रेक्टेंगल, ये थ्री रेक्टेंगल। एंड देखिए, एंड हमने लगा दिया, मतलब प्लस अब लिखेंगे बाद में। ये वन रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना हो गए? वन टू थ्री फोर, यानी फोर रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, वन टू थ्री एंड फोर, इसे हम फोर रेक्टेंगल बना लेंगे। इज इक्वल टू फोर रेक्टेंगल। फिर हम इसे नंबर्स में लिखेंगे। तो वन टू थ्री, अब ये रहा थ्री। ओके, एंड की जगह क्या लिखेंगे बताइए? प्लस। करेक्ट, एंड की जगह प्लस। और ये वन रेक्टेंगल है, एंड के बाद वन ही तो है, तो वन लिख दिया नंबर में। इज इक्वल टू कितने हो गए रेक्टेंगल टोटल? वन टू थ्री फोर। तो थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर। अब देखिए, अब ये हम बना रहे हैं फ्लावर। फ्लावर तो सभी को पसंद होते हैं। तो वन फ्लावर, ये गिनिए मेरे साथ, काउंट करिए, टू फ्लावर एंड फिर वन फ्लावर, एंड के बाद फिर वन से ही काउंट करना है। ठीक है, ये टू फ्लावर। तो इज इक्वल टू का साइन, और कितने हो गए? वन टू थ्री फोर। तो कितने हो गए फ्लावर? फोर। अब हम फोर फ्लावर्स का पिक्चर बना देंगे। ये बस इसी तरह मैं समझा रही हूँ, और पेरेंट्स से मैं कह रही हूँ कि आप प्लीज इसी तरह बच्चों को समझाएं, क्योंकि जब बच्चे शेप्स देखते हैं, अलग अलग फोटोज देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो उन्हें और पढ़ने में मजा आता है। तो ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे? नंबर्स में लिखेंगे। तो ये लिख दिया टू, क्योंकि टू फ्लावर्स थे, एंड की जगह लिखा प्लस, और ये टू फ्लावर और लिख देंगे। तो ये हो गए टू फ्लावर। तो टू प्लस टू कितने फ्लावर्स हो गए? गिनिए फ्लावर्स को, कितने हो गए? वन टू थ्री फोर, तो फोर हो गए। फोर लिखा जाता है इस तरह। तो टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर। चलिए, अब हम सर्कल बनाते हैं। हमने बहुत सारे शेप्स बना लिए, तो सर्कल वन टू, ये रहा थ्री सर्कल, ये रहा फोर सर्कल। अब एंड, ओके, फोर सर्कल वन टू थ्री फोर एंड, उसके बाद फिर से वन से काउंट करेंगे, वन टू थ्री, एंड के बाद फिर से वन से ही काउंट करना है, ये याद रखिएगा। तो वन टू थ्री फोर, तो हम
इज इक्वल टू को पहले साइन देंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 7 सर्कल बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 सर्कल। अब हम इसे नंबर्स में लिखेंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 इस तरह से, एंड की जगह क्या लगाएंगे बताइए, प्लस, यस प्लस, फिर 1 2 3, अच्छी किस तरह लिखेंगे, हाँ इस तरह, तो 4 + 3 इज इक्वल टू का साइन 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सर्कल आए थे, तो 7 को हम इस तरह लिख लेंगे, तो हो गए 7 नंबर इस तरह। अब देखिए, अब मैं बना रही हूँ स्टार, रात में है ना चमकता स्टार तारा, तो ये रहा स्टार। एंड अब यहाँ मैं कोई स्टार नहीं दूंगी, यहाँ कोई स्टार नहीं है, तो फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एक ही स्टार है भाई, दूसरी जगह तो स्टार है ही नहीं, यहाँ मैंने ब्लैंक लगा दी और यहाँ मैंने स्टार रख दिया एक, ठीक है, ब्लैंक में कोई स्टार नहीं है, इसका मतलब एक ही स्टार है हमारा, है ना, क्योंकि एंड के बाद तो कोई स्टार ही नहीं है, एंड के पहले ही एक स्टार है, तो एक स्टार हो गया, ठीक है। अब तो एक स्टार है तो हमने नंबर में लिख दिया 1, एंड की जगह लिखा प्लस, और यहाँ कोई स्टार नहीं है तो 0, तो 1 + 0 इक्वल टू कितने स्टार हो गए, 1, ये 1 स्टार हो गए। अब हम चलिए बॉल बनाते हैं, तो 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल 5 बॉल 1 2 3 4 5 एंड ये 1 बॉल 2 बॉल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इज इक्वल टू में हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू के में 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये 7। अब इसे हम नंबर्स में लिखेंगे, तो 1 देखिए 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 कैसे लिखा जाता है इस तरह, करेक्ट, एंड की जगह लिखेंगे प्लस, और ये 1 2 2 बॉल है, तो ये हो गया 2, और इज इक्वल टू का साइन देंगे, और फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7 हो गया। तो उम्मीद है पेरेंट्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और बच्चे को भी आप इस तरह से सिखा पाएंगे, और बच्चे भी अगर वीडियो देखेंगे तो सीखेंगे भी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है उसे आपको प्रेस करना है, और बेल बटन यानी घंटे के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक पहुँचे। ओके फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।